ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଆସିବା ପରେ ବଢ଼ିଛି ଚିନ୍ତା, ଫେଲ୍ ମାରିଛି ସରକାରୀ କଟକଣା। କିଏ କେତେବେଳେ କେମିତି ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ହିସାବ ନାହିଁ। ଗତକାଲି ଜଗତସିଂହପୁରରେ 4 ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସକାଳୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ 2ଟି ବସ୍ରେ କିଛି ଓଡ଼ିଆ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ତେବେ ରାତି ପାହିଲା ବେଳକୁ ବସ୍ 2ଟିର ପତା ନାହିଁ। ପୌର କର୍ମଚାରୀମାନେ କେବଳ 15 ଜଣଙ୍କୁ ଆଣି ଏହି କ୍ଲବ ଘରେ ରଖିଥିବା ବେଳେ ବସ୍ରେ ଆସିଥିବା ଅନ୍ୟ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଖବର ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଏମିତିକି 2ଟି ବସ୍ରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ପ୍ରବାସୀ ଆସିଥିବା ଖବର ବି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ବୋକାରୋ ଯାଉଥିବା 2ଟି ସ୍କୁଲ ବସ୍ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଏ ଘଟଣା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି କେମିତି କାମ କରୁଛି କର୍ଫ୍ୟୁ କଟକଣା। जगतसिंहपुर में मेरा कल मैं सुबह में आया था, मैं सुबह से आकर अभी तक यहाँ पे हूँ। अभी मैं यहाँ से अपना झारखंड का बस कल शाम को रात को 9 बजे यहाँ पहुँची है और सैनिटाइजर के वजह से ये बस सैनिटाइजर अभी होने के लिए जाएगी। सैनिटाइजर होने के बाद एक एक को चेक करके यहाँ से अपना झारखंड के लिए रवाना होगा। सर, मैं यहाँ के मजिस्ट्रेट साहब से एक ही अपील करना चाहता हूँ कि मैं अदर स्टेट से यहाँ आया, उनका फ़र्ज बनता है कि बाहर से आए हुए लोग को कैसे उनका सहयोग किया जाए, कैसे उनके साथ मतलब। सर, कुछ डिमांड तो नहीं था हम लोगों का, बस हम लोग का डिमांड था कि अच्छे से रहने दिया जाए। सर, हम लोग कोरोना से जूझ रहे हैं, कोरोना से बचने के लिए यहाँ पर सर एक जगह पर सब इकट्ठा होकर अपना घर जाना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर व्यवस्था ही नहीं होगी सर, ओस भी पड़ रहा था, हर किसी को सर्दी भी हो सकता है, सर्दी भी हुआ भी है, ठीक है, ऐसे में अगर चेक होता अगर कुछ पाया गया तो उसका जिम्मेवार कौन होगा। जगतसिंहपुर तारापद महांती रिपोर्ट, टक्षक न्यूज़।